तुम्हारे साथ वक्त कितना सुकून से बीत जाता है ना। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने उस आदमी से शादी कर ली। कुसुम, एक काम करते हैं ना, क्यों ना हम और तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, जहाँ सिर्फ मैं होऊंगा और तुम, और फिर जिंदगी भर के लिए हमें कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। पागल हो, कुछ भी बोलते हो, झील की डायन ने सुन लिया ना तो बाहर निकल आएगी। अरे तुम्हें पता नहीं, ये दमयंती देवी का डेरा है। यहाँ पे औरतें दूसरे मर्दों के साथ इश्क लड़ाने नहीं, बल्कि अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने आती है। ठीक है, अब मैंने मान ली तुम्हारी सारी बातें, और अब तुम मेरी बात सुनो बहुत गौर से। पूछो क्या? और वो ये कि अब यहाँ पे हमारे और तुम्हारे अलावा तो और कोई नहीं है ना, और वैसे भी यहाँ पर कौन सी दमयंती देवी हम पर कैमरा लगाए बैठी है? बस अब बहुत हुआ, तुम्हारा मजाक तो खत्म ही नहीं होने वाला। मुझे हो रही है देर, मुझे जाना है घर। कुसुम, रोज ही तो तुम घर जाती हो ना, आज मेरे लिए थोड़ी देर यहाँ पे और रुक जाओ। मजबूरी है। शहर से चारू आई है, उसके सामने मुझे आदर्श बहू का किरदार भी तो निभाना है, ठीक है? कुसुम, कुछ भूल रही हो? चाची, नमस्ते। अरे चारू बिटिया, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हो? कितने दिनों बाद नजर आई है तू, हाँ? बता, तेरे आने से मेरे घर की रौनक कितनी बढ़ जाती है। मैंने भी आप लोगों को बहुत याद किया। चल झूठी। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी हो चारू? नमस्ते भैया, मैं अच्छी हूँ, आप तो बिल्कुल हीरो लगने लगे हैं। बैठो। कुसुम भाभी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही हैं। पानी के अंदर सयानी मछली, मगर की भूखी मनमानी मछली, कौन होगा निशाना मेरा? पूछती है ये तूफानी मछली। बहुत देर हो गई, भाभी अब तक नहीं आई हैं। मैं सामान रख के सीधे उनसे मिलने ही आ गई थी। माँ थोड़ा गुस्सा कर रही थी पर मुझसे रहा ही नहीं गया। एक काम करती हूँ, कल आती हूँ, माँ घर में इंतजार कर रही होंगी। क्या बताऊँ तुझे, दिन में तेवर दिखाते हुए घर से निकली थी ये कह के कि कहाँ जा रही है तू? मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी मर्जी, तुम लोगों की नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर बस खाना बनाओ और बर्तन धो। एक सवाल पूछा उसका भी सही से जवाब नहीं दे सकती, करम चली। दमयंती के डेरे जा रही हूँ पूजा करने के लिए, अब खुश जाओ करो चुगली। अब यही करती हो ना हमेशा? कितनी देर हो गई है घर से निकले हुए, अभी तक नहीं आई है। अरे आसपास वाले लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, उससे कुछ पूछो तो खाने को तोड़ती है। क्या इसके सामने बड़बड़ कर रही हो? इतने दिन बाद चारों बेटी आई है बहू से मिलने, थोड़ा तो शांति रखो। नहीं बाबूजी, बहुत पढ़ निकल आए उसके, आने तो वापस, बताता हूँ उसे कैसे रहा जाता है ससुराल में सास ससुर के साथ। ये दमयंती का डेरा वही है ना जो
अरे चारू, भाभी। चारू कब आई दिल्ली से? कैसी है? मैं अच्छी हूँ। पढ़ाई वगैरह सब ठीक है? जी। बैठ। बाबूजी, माजी माफ कीजिएगा। बाबूजी वो क्या है ना, आज दमयंती के डेरे में पूजा में बहुत देर हो गई। आप सबको भूख लगी होगी ना, मैं जल्दी से सबके पसंद का खाना बना देती हूँ। चारू तुम भी खा के जाना, ठीक है? कुसुम भाभी तो कितनी अच्छी हैं, आप लोग खामा खा उनकी बुराई कर रहे थे। कुसुम, तुम इतनी भीग कैसे गई? अरे वो क्या है ना, दमयंती के डेरे के यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए तो इतनी भीग गई। अब शायद रुक गई होगी। भाभी आपको सर्दी लग जाएगी, लाइए आपके बाल पोंछ देती हूँ। आपके बालों में कितना पानी है? अरे कि बालों में इतनी मिट्टी कहां से आई? इसे अचानक से एकदम क्या हुआ? मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि इतनी संस्कारी कैसे हो गई। आज पैर छू रही है और खाना भी बना रही है, कुछ तो गड़बड़ है। सही कह रही हो माँ। पानी के अंदर सयानी मछली, मगर की भूखी मनमानी मछली, ना जाने कौन होगा अगला निशाना मेरा। सोचती है ये तूफानी मछली। खतरे से खाली नहीं है वो कुसुम। चारू क्या बता रही थी तुम सबको? मैंने ना आप सबकी पसंद का खाना बनाया, और बाबूजी नमक ना बिल्कुल आपके हिसाब से डाला है, जैसा आपको पसंद है। और आपकी पसंद का भी बनाया, कहो तो अपनी हाथों से खिला दो। क्या हुआ तुम्हें, इतना दिखावा क्यों कर रहे? चारो तुम क्या बोल रही थी कुसुम के आने से पहले? कुछ नहीं भैया, शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। माँ इंतजार कर रही होगी। चलिए ना, खाना ठंडा हो जाएगा, खाना ना अब सबको बहुत पसंद आएगा, जल्दी चलिए। इसने कभी ढंग से दाल बनाकर नहीं खिलाई, और आज ये सब। भगवान तू इतने डरे हुए क्यों है? कुछ बोल ना बेटा। मछली पानी 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 बोल, क्या हुआ? हम सब ने यहाँ तुम्हारे चक्कर में भूखे बैठे हैं कब से। पानी के अंदर सयानी मछली, मगर की भूखी
मनमानी मछली। ये लीजिए गर्मा गर्म, मैं अपने हाथों से आप सबको परोसूंगी आज। नहीं मुझे नहीं प्लीज। आप कितना भी मना करो, खाना है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं सुनने वाली। लीजिए माँ जी गरम गरम खाइए, जल्दी से खाइए वरना ठंडा हो जाएगा खाना। खाना ठीक तो बना ना, देखिएगा इसी तरह रोज आप सबकी पसंद का खाना बनाऊंगी। खाना बनाने से पहले ना पूछ लिया कर, वरना ऐसा खाना बनाएगी जैसे आज बनाया है तो किसी के गले से नहीं उतरेगा। कुसुम, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया फिर भी कोसने से बाज नहीं आई ना। बुढ़िया तू कुसुम नहीं है, ये कुसुम नहीं है, पीछे पीछे है। पीछे हो जाऊं? पीछे हो जाऊं, दूर चली जाऊं? पीछे तुम लोगों के लिए कितना भी कर ले, लेकिन तुम लोग उसे कोसने से बाज नहीं आओगे। माँ, ये दमयंती का डेरा है क्या? और लोग उन्हें पूछते क्यों हैं? शहर पढ़ने क्या गई? तू तो सब भूल गई। अरे देवी है वो देवी, झील वाली डायन से पूरे गांव को बचा के रखा है उन्होंने, वरना पूरे गांव के परिवार के घर में घुस के वो बहा के ले जाती वो चुड़ैल। दमयंती ने अपनी जान देकर अपने पति की जान बचाई थी उस चुड़ैल से, तभी से सारी सुहागने उसको पूछती है। तू भी दमयंती माता की आराधना किया कर, अच्छा वर मिलेगा। चल अब तू सो जा, बहुत रात हो गई है बेटा। दमयंती देवी गांव की रक्षा करती है, तो कुसुम भाभी के रूप में मैंने जिसे देखा था वो झील की डायन थी। क्या बिगाड़ा था मैंने अपने बाप का, जो इस भूतिया गांव में और इस संधि परिवार में मेरी शादी करवा थी। बस अब और नहीं होता मुझसे ये अच्छी बहू बनने का नाम। काश कोई यहाँ आ जाए और मुझे छुटकारा दिला दे इस घर से और इस घर के लोगों से। चारू तुम यही रुको, मैं अभी पूजा करके आती हूँ।
तुम्हें ब्रजेश ठाकुर और दमयंती की कहानी नहीं पता? नहीं, मुझे कोई कहानी नहीं पता। आज से 10 साल पहले ब्रजेश ठाकुर और दमयंती इसी जंगल से गुजर रहे थे, तभी एक औरत की मनमोहक आवाज ने ठाकुर को अपने बस में कर तालाब के पास बुलाया और वो ब्रजेश ठाकुर को तालाब की तरफ खींच लिया। फिर दमयंती देवी ने अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए उस डायन को ललकारा और दमयंती देवी तालाब में कूद पड़ी। अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी जान तक गवा दिए। पर ब्रजेश ठाकुर को इस बात का गहरा सदमा लगा और उन्होंने इस तालाब को दमयंती देवी का डेरा बना लिया और सारे गांव के लोग दमयंती देवी को पूजा और फूल अर्पित करते हैं ताकि वो डायन हमारे परिवार से दूर रहे और दमयंती देवी हमारे परिवार की रक्षा कर सके। लेकिन ये सब झूठ है और ये झूठ किसी गहरे सच को छुपाने के लिए बोला गया है। चारों चुप हो जाओ और बकवास करना बंद करो। इससे पहले कि ये सारी औरतें मिलकर तुम्हें उस नदी में डाल दे, निकलो यहाँ से। खड़ी क्या, जाओ यहाँ से। अरे जाओ। ये दमयंती की तस्वीर, ये सारी कहानियां और कुसुम भाभी का वो चेहरा, कुछ तो राज है। मुझे मेरे पति से छुटकारा दिला दो ताकि मैं जल्द से जल्द इस गांव से बाहर निकल सकूं। दमयंती माता, मेरी ये विनती जरूर सुन लेना। दमयंती माता, जय दमयंती माता की, जय दमयंती माता की। ये तो भाभी की थाली है, कहीं पानी में तो नहीं चली गई? ये तो भाभी की आवाज है, लेकिन झील के अंदर से क्यों आ रही है? भाभी, 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 कौन है? सबको मेरा सच बताने वाली, हट जा मेरे रास्ते से। हर वो औरत जो अपने ससुराल वालों का और पति का निरादर करेगी, उसे बस मौत ही मिलेगी दमयंती के डेरे में। मैं तुझे कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तू शादीशुदा नहीं, लेकिन आप मेरा निशाना तेरा घर है। रोक सकती है तो रोक ले। जी, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ तेल से, आपको आराम मिल जाएगा। देखा, ये सब दमयंती माता का आशीर्वाद है। उनकी पूजा अर्चना और तालाब में डुबकी लगाने की वजह से ये सब चमत्कार हुआ है। सुनिए, अरे चारू, वहां क्यों खड़ी हो? आओ, चलो चलो चलो, आओ मेरे साथ। आज मैं अपनी प्यारी सी नन्नन को अपने हाथों से नाश्ता कराऊंगी। ये देखो, मैंने आज तुम्हारे फेवरेट
गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं। हे भगवान, क्या करूं मैं? माँ को बताऊं? नहीं नहीं, कहीं दमयंती ने कुछ कर दिया तो? अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। टिफिन? या, थैंक यू। अच्छा माँ, मिलता हूँ मैं। ब्रिजेश ठाकुर, हाँ मुझे उनके पास जाना चाहिए। एक वही हैं जिन्हें दमयंती के डेरे का असली सच पता है। अरे इसमें तो दही नहीं है, मैं अभी जाकर दही लेकर आती हूँ, बस एक मिनट। माँ मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ जरूरी काम है, जल्दी लौटाऊंगी। माँ भाभी जो भी कहे ना आप मान लेना, उन्हें बिल्कुल गुस्सा मत दिलाना, मैं जल्दी लौटाऊंगी। जल्दी आना, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें ढूंढते हुए आना पड़े या तुम खुद ही भागते हुए वापस आ जाओ। ये ऐसे अजीब अजीब बातें क्यों कर रही है बहू? कोई बात नहीं माँ जी, आप फिक्र मत करो, लाओ मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ, आपको आराम मिलेगा, अच्छा लगेगा आपको। अरे बहू पहले अपने बाल तो सुखा ले तौलिए से। कोई बात नहीं माँ जी, पहले मैं आपकी अच्छे से सेवा तो कर लूं। अरे एड़ियों में नहीं, मेरे घुटनों में दर्द है, जरा अच्छे से मालिश कर, तुझसे तो मेरा बेटा अच्छा मालिश करता है। तेरी बहू मीनाक्षी तो तुझे एक ग्लास पानी भी नहीं पूछती थी, और मैं यहाँ तेरे पैरों में पड़ी हुई हूँ, तू भी तेरे नखरे कम नहीं हो रहे, ले फिर मर। मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। कौन हो तुम? ठाकुर साहब किसी से नहीं मिलते, जाओ यहाँ से। क्यों? सिर्फ दमयंती से मिलेंगे जब वो इंसाफ मांगने आएगी। दमयंती भाभी? मालिक, 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 आपसे कोई मिलने आया है, जल्दी आइए। मालिक, यही है ठाकुर ब्रजेश जी। दमयंती, तुम आ गई दमयंती? मुझे माफ कर दो दमयंती, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद मैं आज तक चैन की सांस नहीं ले पाया हूँ दमयंती। होश में आइए ठाकुर साहब, मैं दमयंती नहीं चारू हूँ। चारू? लेकिन आज दमयंती की वजह से आपके सामने खड़ी हूँ, आज आपकी वजह से पूरा गांव दमयंती की चपेट में। मैं जानती हूँ आपने उसके साथ क्या किया, लोगों के सामने उसे देवी साबित कर दिया, ये कह के कि आपकी बीवी ने आपकी जान बचाने के लिए तालाब के चुड़ैल का सामना किया। बल्कि सच तो ये है कि तालाब के चुड़ैल खुद दमयंती है जो उन सब औरतों को मार रही है जो अपने ससुराल वालों की इज्जत नहीं करती और खुद उनकी जगह चली जाती है उनका रूप धारण करके।
ताकि उसे वो सम्मान और वो इज्जत मिल सके जो उसे आपसे नहीं मिली। बताइए आपने उसके साथ क्या किया है, बताइए। बताता हूं मालिक। नहीं गुलाब, आज मुझे अपना जी हल्का कर लेंगे। इतने सालों से ये बात मैंने अपने दिल में दबा के रखी थी, आज मुझे खुद को आजाद कर लेने दो। दमयंती मुझसे बहुत प्यार करती थी, बहुत ख्याल रखती थी वो मेरा, इतना प्यार कि उसके प्यार से मुझे घुटन होने लगी थी। अरे आ, अरे खाइए ना, आप ही के लिए बनाया है। बस हो गया। अरे अरे क्या कर रहे हो, बैठिए। कैसी लग रही है साड़ी हमारी, अरे बताइए ना कैसे लग रहे हैं। अरे आप थक गए होंगे ना, मैं अभी आपकी तेल मालिश कर देती हूँ। नहीं जरूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, अरे अभी बोला हो जाएगा। ना जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। अरे हम कर देते हैं। पता नहीं कहाँ रह गए ये। अरे आ गए आप, इतनी देर क्यों लग गई आपको, कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो। कुछ नहीं होगा, आओ मैं तुम्हें आज एक बहुत अच्छी जगह लेके चलता हूँ। कहाँ? अरे ये आप हमें कहाँ लेके आए? ये जो तालाब है ना, ये गांव का सबसे मशहूर तालाब है, मुझे लगा तुम्हारा मन बहल जाएगा। आप हमारे लिए इतनी दूर चल के आए, लेकिन आपको हमारे लिए सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो वैसे भी आपके साथ खुश है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पैर दर्द कर रहे होंगे ना, हम एक काम करते हैं, हम ना घर चले जाते हैं, हम ना आपके पैरों की अच्छे से तेल मालिश कर देंगे। चलिए ना। ये सब आप कुछ क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? इसी चुड़ैल ने मुझ पर कोई हमला नहीं किया और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए दमयंती के नाम का मंदिर भी बनवा दिया था, और उस दिन से आज तक मैं चैन से जी नहीं पाया हूं। आज आपकी वजह से पूरा गांव मर रहा है, और आप है कि कायरों की तरह अपनी हवेली की चार दीवारों के अंदर बैठे हुए, और बेचारी दमयंती मरने के बाद भी एक संस्कारी बहू, संस्कारी बीवी बनने के चक्र में फंसी हुई है, और हर उस औरत को मार रही है जो अपने ससुराल वालों की इज्जत नहीं करती और खुद उनकी जगह चली जाती है, उनका रूप धारण करके इस उम्मीद में कि कोई तो एक ऐसा परिवार होगा जो उसे वो सम्मान, उसे वो प्यार देगा जो उसे आपसे नहीं मिला। ठाकुर साहब, सिर्फ आप ही जो उसकी आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि आपने उसे स्वीकारा नहीं, उसे मार डाला। आपको उसे यकीन दिलाना होगा कि वो एक आदर्श बीवी, एक आदर्श बहू थी। सिर्फ आप ही उसे मुक्त कर सकते हैं ठाकुर साहब।
क्या चाहती हो तुम मुझसे? वही जिसे वाकई में दमयंती आपके सामने आकर खड़ी हो जाए, ताकि उसका ये भ्रम टूट जाए कि वो आपके लायक नहीं थी। और ऐसा करने का बस एक ही तरीका है कि आपकी पत्नी को दमयंती के डेरे में जाकर आपकी शिकायत करनी होगी, ताकि वो खुद आकर आपके सामने खड़ी हो जाए। लेकिन मैंने दूसरी शादी नहीं की। तो अब आपको शादी करनी होगी। सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास। इतनी जल्दी लड़की कैसे मिलेगी? कोई जवाब है तुम्हारे पास? मैं करूंगी आपसे शादी। आज मेरा परिवार उसकी चपेट में है, कल गांव का कोई और परिवार होगा। हमें इस कहानी का अंत करना होगा। पानी? ये पानी अंदर से कहां से आ रहा है? हे जान, चले। ओ वाओ, क्या रूम सजा है? तुमने सजाया है? हाँ। वाओ, I'm so happy, yeah? आप यहाँ बैठो। आज मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, खाकर बताना कि कैसा बना है। और वो भी मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। और विवाह संपूर्ण हुआ। आइए। गुलाब, तुम जाओ, यकीन मानो सब ठीक होगा। तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था। मालिक, आप सदा सुखी रहें, खुश रहें। मालिक, कितना अच्छा खाना है। एक बात बताओ, माने बनाया ना? पर माँ कहीं दिख नहीं रही है और चारू भी नहीं दिख रही है, कहाँ है वो? मैं नहीं दिख रही हूँ तुझे। तू चुड़ैल है ना? तू वो तालाब वाली चुड़ैल है ना? मीनाक्षी का है, मेरी माँ का है, चारू का है।
आ गए दमयंती, तुम आ गए मेरे पास। क्यों मेरे मरने की झूठी कहानी बताई सबको? तुम में कोई कमी नहीं थी दमयंती, मैं ही तुम्हें और तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया, मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं था। तुमने तो हमेशा मुझे बहुत प्यार किया है, अब उसी प्यार की खातिर मैं तुम्हें इस चक्र से आजाद करूंगा। मुझे माफ कर दो दमयंती। शांत हो जाओ दमयंती, शांत हो जाओ दमयंती। चारू, 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 उठ जा चारू, चारू उठ जा, उठ जा चारू, उठ जा मेरी बहन, चारू उठ, उठ जा, उठ जा बेटा, उठ जा चारू। भैया, तू ठीक है मेरी बहन, तू ठीक है? भैया, भैया हम जिंदा हैं, भैया हम जिंदा हैं। भैया, आपको पता है, आपको पता है दमयंती तो कभी लौट कर नहीं आएगी, उसका चक्र टूट गया है। उसने मेरा शरीर छोड़ दिया और अपने ब्रिजेश को लेकर हमेशा के लिए चली गई है। अब वो लौट कर नहीं आएगी भैया, कभी लौट कर नहीं आएगी।